नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। इसके में भी दो पार्ट आ सकते हैं। पार्ट फर्स्ट है एलडीसी, जो राजस्थान में भी हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, एसएससी, और उसके बाद पटवार में भी इम्पोर्टेंट है ये। ओके, मतलब कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है और जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, रेलवे ग्रुप डी, लोको, पायलट, सभी में। ओके जी, तो निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो जो ज्योमेट्री है ना ये लाइंस पर चलती है। निर्देशांक मतलब जो दूरी मापने के लिए ये निर्देशांक यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो बड़े से बड़ी बहुत बड़ी डिस्टेंसेज होती हैं उनको इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है। ओके, तो सभी को पता है सर, एक होती है अपनी वाई अक्ष और एक होता है सर जी एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस बोले तो एक्स अक्ष, ये सर वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ठीक है सर, ये एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक्स डैश अक्ष, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव वाले साइन चलेंगे। देन ये वाला सर वाई डैश एक्सिस और वाई डैश अक्ष। ओके, अब इसकी बात करते हैं। इसके होते हैं सर चार क्वाड्रेंट। ओके, चार क्वाड्रेंट होते हैं सर। ठीक है, ये है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट बोले तो चतुर्थांश। ओके, ये चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। ओके सर, जब हम कभी भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सॉरी निर्देशांक लिखते हैं, तो देखिए सर, जैसे कि मैंने लिखा 5.7, 8.9, -1.2, कुछ भी। जो फर्स्ट वाला है वो हमारा होता है x और सेकंड वाला होता है y। ओके, ऐसे जो पहले है वो x और जो सेकंड वाला है उसे y से डिनोट किया जाता है, या पहला x और दूसरा y। अब सुन लो यार, अब इसमें x और y दोनों किसके होते हैं सर, पॉजिटिव के होते हैं। ठीक है, x और y किसके, दोनों पॉजिटिव के होते हैं। इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y किसका, पॉजिटिव का। देन इसमें, इसमें दोनों के दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ओके, x कोमा y दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अब इसमें देखो, इसमें x नेगेटिव आ चुका है, इसमें x तो होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव, यानी कि मैं इस साइन से इसे डिनोट कर सकता हूँ। ओके जी, बहुत सिंपल है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बचपन में पढ़ते थे, ग्राफ हमें करवाया जाता था, पैमाना 1 सेमी, पैमाना 10 मीटर, आई बातें कुछ याद। ओके सर, अब बढ़ते हैं आगे, इसे देते हैं मीठा। अगर मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, सिंपल सिंपल, 4.5 बिंदु, बिंदु को P से डिनोट कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले को Q से डिनोट कर देते हैं, -5.3, देन R -2.-1 और देन S यार ये है 4.-4। ओके, अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो बिंदु है ये किस किस क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, निर्देशांक पद्धति में किस किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो अपने पास क्वाड्रेंट था ये, इसमें ऑल पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो ये जो पहला बिंदु है ये P बिंदु कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ आएगा P बिंदु, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देन भैया सेकंड, क्यों, -5.3, ये कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स का और वाई प्लस का। देन थर्ड, इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव, यानी कि ये माइनस माइनस वाला किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देन ये किसमें आएगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ओके सर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, ये दिया हमने मीठा। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स को बोलते हैं सर भुज, क्या बोलते हैं, भुज या फिर एब्सिसा, और वाई को बोलते हैं कोटी या फिर ऑर्डिनेट। ओके, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब सुनते जाना क्या है सर, एक्स अक्ष पर,
एक्स अक्ष पर वाई क्या होगा? जीरो। ओके, जैसे कि ये एक्स अक्ष, दोनों लिख लेते हैं, एक्स डैश है और ये एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष पर वाई क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर यहाँ पर कहाँ पर भी, मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, मान लो एक दो और ये तीन नंबर पॉइंट है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर वाई कितना है तो वाई जीरो है सर, क्योंकि मूल बिंदु है। अब यहाँ पर देखो वाई जीरो इंडिकेट हो रहा है हमें, तो वाई क्या होता है? जीरो। यानी कि एक्स अक्ष पर वाई जीरो, और बताइए फिर, ये भी बड़ा सिंपल है, वाई अक्ष पर एक्स कितना आएगा? जीरो आएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। ये आपको याद रखना है, वो सिंपल है, हमने आपको बता भी दिया है, ठीक है सर। प्रैक्टिस करना है कि आप इसके, आप आइए जी ये क्वेश्चन करते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2.4 एंड -5.7, और हमें ऑप्शन गिवन है कट्स y एक्सिस ओनली, कट x एक्सिस ओनली, कट बोथ एक्सिस, डज नॉट कट एनी एक्सिस। ठीक है, भी y अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटती है, दोनों अक्षों को काटती है, किसी भी अक्ष को नहीं काटती। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब कि इन पॉइंट से जो लाइन है वो गुजर रही है। ओके, तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक हल्का सा, इसके ऑर्डिनेट को दिखाने वाले हैं, शो करने वाले हैं। तो मैं कुछ एक नंबर बना लेता हूँ सर, इसे मिटा देते हैं, क्वेश्चन लिख लिया होगा सभी ने, ऊपर तक चलेगा। ओके, 4, 7। ओके, अब आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके सर, फिर इधर -1 वाला लिख लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और यहाँ पर फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नीचे देन अगेन -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक है, अब देखिए -2.4, -2 मैंने बोला जो पहला ऑर्डिनेट है। ओके, अब देखते हैं सही से, -2 यानी कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, पहले पॉइंट x की बात होती है, दूसरे वाले की y की। तो x -2 है और y +4 है, x यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब ये -2 और ये +4 यानी कि यहाँ पर, ये देखिए ये इधर से ऐसे मिला, कहाँ पर मिला है? ये इस पॉइंट पर मिला। ठीक है, इस पॉइंट में जो सेकंड वाला है -5.7, -5 बोले तो इसी की बात हो रही है। और अब देखो भैया -5.7 कहाँ पे? लगभग यहाँ पर हम हैं मिलने वाले। ओके, अब यार देखो, अब जो लाइन है ये ऐसे जाएगी सर। ओके, अब ये जाएगी सर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ यार, ये क्या कर रही है? ये y अक्ष को भी काट रही है, ये बिल्कुल ऐसे बीच में से गुजरेगा, ये y अक्ष को भी काट रही है और x अक्ष को भी काट रही है, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा? कट बोथ एक्सिस। देखो कई बार ऐसा हमें जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन होते हैं कि हमें ऐसा कुछ ऐसा दिखता है, वहां पर मान लो कि वो ऐसे जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमने इतना ही बनाया होता है, तो हमें लगता है कि वो y अक्ष को काटती है, लेकिन ना ये इन्फिनिटिव तक बढ़ती है। ठीक है, इन्फिनिटिव तक ये बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं जो रेखा है वो किसको भी काटेगी? वाई अक्ष को, वाई अक्ष को काटेगी, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? कट बोथ एक्सिस। और कई बार क्या होगा, पैरेलल होगी, तब हमें पता चल जाएगा वाई अक्ष को काट रही है या फिर पैरेलल होगा, जिसके एस के देन हम बोलेंगे कि सर वाई के पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा तो एक्स एक्स अक्ष को काटेगी और इसके पैरेलल होगा तो वाई अक्ष को। ओके, ये देते हैं मीटर। ओके जी, अब बात करते हैं सर जी डिस्टेंस फॉर्मूला के। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के, जैसे मतलब कि ये यहां पर अपन ने एक बनाया वाई अक्ष और एक्स अक्ष, ठीक है, मान लो इस पॉइंट से लेकर, और दूरी ज्ञात करनी है इस पॉइंट, ये डिनोट कर देते हैं x1, y1,
एक्स वन कोमा वाई वन, और ये डिनोट करने वाले हैं एक्स टू कोमा वाई टू। ठीक है, मुझे ये वाली जो डिस्टेंस है वो तय करनी है। अब ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव्ड कहाँ से होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला डिराइव्ड कहाँ से होता है। ओके सर, अब एक बात हमें बताइए कि ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लिया इतना, ठीक है, फिर किया सर जी इतना, और ये इस पर बाइसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कहने का मतलब हमें करण ज्ञात करना है, लेकिन करण ज्ञात करने के लिए एक तो पास हमारे आधार होना चाहिए और एक होना चाहिए लंब। अब एक बात हमें ये बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टोटल, ये यहाँ से लेकर, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये एक्स टू है, कितनी है एक्स टू है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है एक्स वन है, यानी कि इस पूरी टोटल एक्स टू में से ये एक्स वन माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, है ना सर, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन, और एक्स टू माइनस एक्स वन है, अगर ये एक्स टू माइनस एक्स वन है तो ये भी एक्स टू माइनस एक्स वन है, एक्स टू माइनस एक्स वन है। देन अगेन सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, यानी कि ये कुछ ऐसा रहा होगा कंस्ट्रक्शन करा, यानी कि वाई टू बाद का कोऑर्डिनेट है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है y2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए ये कितनी है y1 है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल में से ये माइनस करने वाले हैं तो ये आ जाएगी सर, यानी कि y2 माइनस y1 आ जाएगी ये वाली डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है, और हमें ज्ञात करनी है ये डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या ज्ञात करना है, हाइपोटेनियस करण ज्ञात करना है। तो सर क्या करण स्केयर बराबर, करण स्केयर शो इधर दिख रहा है, करण स्केयर, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है, करण स्केयर बराबर आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर। अब देखिए सर, करण स्केयर ये है, हमें ये चाहिए, ओके, इसी में के से डिनोट कर देता हूँ, बराबर इसका होल स्केयर, सॉरी आधार, एक्स के माइनस एक्स वन का होल स्केयर प्लस टू वाई माइनस वाई का होल स्केयर, ये यहाँ से हटेगा तो इस पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य की दूरी ज्ञात करने का ये हमारा आया है फॉर्मूला, जो कि इस बेसिक वर्जन से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। ओके, आपको इतना याद नहीं रखना है, बल्कि पता होना चाहिए कि आया कैसे है, डिराइव कहाँ से हुआ, अपना जो फॉर्मूला है हमें यही याद रखना है। ओके सर, अब बढ़ते हैं आगे और हम आपसे पूछते हैं कुछ एक क्वेश्चन। ठीक है, इसे देते हैं मिटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, यानी कि दूरी ज्ञात करने के संबंध में हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, आ जाइए सर, पहला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल सोबर, माइनस एक कोमा एक और तीन व चार के बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी, ये मतलब दो पॉइंट हैं ए और बी, इसका जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक बिंदु माइनस एक, इनके बीच की दूरी, तो आप क्या कर सकते हैं सर, इसे मान लो एक्स वन कोमा वाई वन, इसे मान लो सर जी एक्स टू कोमा वाई टू। ओके, एक्स वन कोमा वाई वन, एक्स टू कोमा वाई टू, अब फॉर्मूला जो हमने बताया था ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, क्या सर, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू कितना है, तीन माइनस, तो ये माइनस का ऑलरेडी अंदर बैठा है, ठीक है, यानी कि इसका क्या करना है, स्क्वायर, और वाई टू कितना है, चार माइनस एक का क्या करना है सर, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो तीन और एक चार, चार इंटू चार हुआ सोलह, प्लस नौ कितना हुआ पच्चीस, यानी कि इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी है पांच सेमी, पांच इकाई, सॉरी एक्चुअली गिवन नहीं हमने, तो जो इसका आंसर कितना आ गया, पांच इकाई हमारा क्या आ गया, एम आंसर आ गया। हमें कोई भी एक जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक बिंदु है, वो कोई भी एक गिवन नहीं होगा इसमें से, जैसे माइनस एक एक्स हो जाएगा, लेकिन हमें इस ए बी की लंबाई दी होगी तब भी हम इसको मान ज्ञात कर देंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे,
अब करते हैं सर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो भी किया है, लेकिन इस बंदे ने हमें जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी दे दी है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, इसे एक्स वन वाई वन, इसे एक्स टू वाई टू, 17 हमें गिवन है, ठीक है, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, सॉरी ओके वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि जीरो में से यही माइनस होने वाला है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का एट का होल स्क्वायर, तो 17 बराबर रूट, ये कितना है सर जी, एक्स स्क्वायर प्लस 64, अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट यहाँ पर हटेगा तो इस पे क्या होने वाला है स्क्वायर, या फिर हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन ये कितना है 289 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64, एक्स स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64, एक्स की वैल्यू कटेगा सर कितना आएगा, तो हमें चाहिए 522 कितना है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर से हटा 225 का हुआ स्क्वायर रूट, अपना आंसर कितना आ गया 15 सेमी, मेरा क्या गया आंसर आ गया ओके। ये 888 पे चलता है 8, 15, 17, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल से डिराइव हुआ है ना, कभी भी अगर आपके पास लैक ऑफ टाइम है देन आप क्या करोगे सर 888 देखोगे, 8, 17 और 15 हमें गिवन है ओके सर, ठीक है अब बढ़ते हैं आगे, आइए सर ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला है ओके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इससे ज्ञात करें, लेकिन ये बोल क्या रहा है हमें मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का मतलब ये है कि जैसे ये अपने y अक्ष और x अक्ष है, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट ये है, और इसके दोनों जो x और y दोनों जो निर्देशांक बिंदु हैं, ये x और ये y दोनों क्या होते हैं 0, 0, क्योंकि ये मूल बिंदु है ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और हमसे पूछा है अगर 6x है और 8y है यानी कि 6, 8 का, अब 6, 8 लगभग में भी यहाँ रहता होगा यहाँ पे ओके 6 और 8 यानी कि इसके बीच की दूरी क्या पूछी है, ये 6 और ये 8, कहने का मतलब ये है कि मेरे पास दो पॉइंट है, हमने इसे P मान लिया, इसे Q, ये गिवन है 0, 0 और वो गिवन है 6, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है इनके बीच की दूरी यानी कि पी क्यू बराबर, तो 6 माइनस जैसे कि एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स टू में से एक्स वन गया 6 में से 0 गए 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 0 गए 8 में से 0 गए होल स्क्वायर, देन 36, 64 ये आने वाला है अंडर रूट 100 और अपना आंसर कितना आने वाला है 10 सेमी, आप इसे सीधा भी कर सकते थे क्योंकि 0 माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट कर देना था, अपना आंसर कितना आ जाना था सर जी 10 सेमी आना था, मैंने अभी भी बताया था 888 याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये बनता भी तो ऐसे हो रही है कितना 90 डिग्री का, ये वैल्यू पता करी, ये वैल्यू है, ये भी है और ये हमने कर ली पता ओके सर, अब बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के, आइए सर ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, बस हल्का सा अप्रोच चाहिए आप लोगों को, अब एक बात बताओ ये सर्कल है सर, ये उसका सेंटर है केंद्र है, मुझे बताओ रेडियस, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ओके, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर है ओ बी के, ठीक है ओ ए बराबर ओ बी यानी कि रेडियस बराबर रेडियस, तो हम क्या करेंगे पहले ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको बराबर रख देंगे इस वाली डिस्टेंस के, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी मध्य की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसे x1 मान लो किसे y1 मान लो, आपकी मर्जी है कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है अब हमने क्या किया सर इसे मान लिया x1 कोमा इसे मान लिया x2, ठीक है कोमा लिखते नहीं छोड़ो, और इसे मान लिया x2 और इसे मान लिया हमने y2, अब x2 माइनस x1 यानी कि 2 में से 4 गए का होल स्क्वायर प्लस ये 3 में से 3 गए का होल स्क्वायर और इस पे है रूट बराबर, अब बात करते हैं OB की, OB बोले तो अब कोई बोले कि इसे लिख लो यार क्या दिक्कत है x1 कोमा y1 इसे x2 y2 पढ़ा रहे हैं, ठीक है अब x2 माइनस x1 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर ओके स्क्वायर रूट से गया स्क्वायर रूट,
दो माइनस चार माइनस दो का होल स्क्वायर कितना है, चार प्लस जीरो नहीं दिखेंगे। अब दो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू एक्स कितना आया, फोर एक्स, और प्लस माइनस दो का होल स्क्वायर कितना आने वाला है, चार आने वाला है। ओके सर, इसे ना भी करते शायद तो भी चलता। चलो कोई बात नहीं, चार से घटा चार, ये अपना आया सर टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो मैंने खोला था ना, मैंने वापस लिख लिया है, बराबर कितना जीरो। अब ये जीरो दे रहा है सर, माइनस एक्स बराबर कितना माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर जी, दो, और दो मेरा क्या है आंसर है, यानी कि जो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि जो हमें एक निर्देशांक बिंदु चाहिए था, वो क्या आ गया सर जी, एक्स बराबर कितना आ गया, दो सेमी, और यही मेरा क्या है आंसर है। ओके, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आइए सर, ये कोशिश कर ये क्वेश्चन करते हैं, सॉरी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। पी क्यू आर किस त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी कि ये हमारा एक क्या है सर जी, ट्रेंगल है, क्या सर, पी क्यू और आर, पी के निर्देशांक 6.4, क्यू के सर 5.-2, और आर के कितने, 7.-2, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, हमें हम कैसे मालूम करेंगे कि ये किस त्रिभुज के निर्देशांक है, तो देखो जो हमने अभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला किया है, जिससे 5, 6, 2, 4 जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हम क्या करेंगे, इस दो निर्देशांक की मदद से ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, इन दो निर्देशांक की मदद से ये वाली डिस्टेंस, और इन दो कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इस वाली साइड को कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, अब देखो यार, थोड़ा हल्का से स्पीड से करेंगे, नजरे रखना तिखे, अपने नैन तिखे रखा करो, और दिमाग के तार अच्छे रखा करो। ओके भैया, अब देखो यार, X1 चलो लिख देते हैं आपकी हेल्प के लिए, X1, Y1, X2 और Y2। ओके, अब इसे सिंपलीफाई करें, 5 में से 6 गया, माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 में से -4 गए, तो -6 का होल स्क्वायर कितना है 36, और इस पे क्या हमने स्क्वायर रूट देन कितना आया, ये वाली साइड √37। फिर मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ, इसे X1 और क्या मान लिया, Y1, X2 - X1, 5 में से 7 गए, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से -2 गए, -2 में से -2, ठीक है, यानी कि क्या आने वाला सर, ये -2 + 2 ये कितना आया 0, और 0 ये आया स्क्वायर रूट, यानी कि 4, 4 का कितना आया सर जी, ये वाला 2। फिर ये कैलकुलेट करने वाले हैं हम। ओके, अब किसी भी कोऑर्डिनेट से 2 2 मान लेते हैं, ये 2 ये 2, तो 2 - 1 यानी कि 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से -2 गए, 4 में से -2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी कि 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करा 1 का स्क्वायर, 1 + 36 कितना है √37, ठीक है। अब वहां पर भावना मत बह जाइए यार, अब देख लो सर, यहाँ पर समद्विबाहु भी है और समकोण समद्विबाहु भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेक कि क्या यह एक समकोण समद्विबाहु है या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप क्या करने वाले हो सर, आप क्या करने वाले हो, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के सोच सकते हो, बहुत इज्जत से सोच सकते हो यार, वैसे ना बहुत दूर दूर रिश्ता नाते नहीं है यार इनका, ठीक है, दूर दूर तक ये बहुत दूर है। ओके, तो ये क्या है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, वहां पे चेक कब कर लेना कि कहीं समकोण तो नहीं हो रहा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी उस पे। ओके, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ये देखते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो बराबर आना चाहिए इसके, क्योंकि इनका स्क्वायर का सम 74 आएगा, देन ये इसके इक्वल नहीं है, √74 आएगा और ये √4 है। ओके सर, अब बढ़ते हैं आगे। ओके सर, अब करते हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, एक वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु, ये एक वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, मान लो ये पी मानते हैं, ये क्यू, इसके निर्देशांक बिंदु 5.3 है और इसके 2.-1, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए पाई के संदर्भ में। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, और हम क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं की सहायता से इस पूरी पी क्यू की लंबाई ज्ञात करेंगे, और ये पी क्यू क्या है, उस वृत्त का व्यास है, उसको करेंगे आधा, जो कि हमारे बराबर आ जाएगा इसके रेडियस के, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आती होती है, यूं कह लो कि
व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, अब इसको यूज करने वाले हैं हम, फॉर्मूला पुट करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके सर, आ जाइए। एक्स वन वाई वन, ये सर एक्स टू वाई टू, एक्स टू माइनस एक्स वन, दो में से पांच गए तो दो में से पांच गए का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक में से माइनस तीन गए, माइनस एक में से माइनस तीन गए, यानी कि क्या बचने वाला है ये, माइनस एक में से तीन गए सर, तो माइनस का चार का होल स्क्वायर, तो माइनस तीन का होल स्क्वायर नौ प्लस माइनस चार का होल स्क्वायर सोलह, स्क्वायर रूट कितना है पच्चीस का, कितना आएगा पांच आएगा, यानी कि जो डायमीटर है, जो डायमीटर है ये कितना आ गया यहाँ से लेकर यहाँ कितना आ गया पांच इकाई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितनी आ गई अपनी पांच बटा दो, और क्षेत्रफल बताना है किसके, पाई के संदर्भ में, पाई के मान में, तो एरिया क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई, क्योंकि पाई के संदर्भ में बताना है आर कितना, पांच बटे दो इंटू पांच बटे दो, देन मेरा आंसर क्या आ गया पच्चीस बटे चार पाई वर्ग इकाई या फिर इकाई स्क्वायर, मेरा क्या आ गया आंसर है। ओके सर, अब बढ़ते हैं आगे, आइए सर अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मध्य बिंदु परिमेय। ओके, मध्य बिंदु, जैसे कि दो एक लाइन के अंतिम छोर पर दो कोऑर्डिनेट है, उनके बिल्कुल परफेक्ट जो सेंटर है वो हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है, इसलिए क्या बोला गया मध्य बिंदु। जैसे यहाँ पर पी पी है और ये क्यू, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू कोमा वाई टू है, हमें क्या ज्ञात करने सर जी, ये वाले ज्ञात करने। ठीक है, अब बिल्कुल मिडल में है। ओके, बिल्कुल क्या है मिडल में है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, सपोज दैट ये टी है। ओके, अब जो पहला कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट होने वाला है इसका नाम देते हैं एस और पी से, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एस है और वो होगा एक्स टू प्लस एक्स वन बाय टू, यानी कि जो पहले पहले कोऑर्डिनेट है जोड़कर बटे दो कर देंगे, और जो सेकंड वाला है पी वाई टू प्लस वाई वन बाय टू कर देंगे, और ये आ जाएंगे इनके निर्देशांक बिंदु, किसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बिंदु आ जाएंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन दिया है माइनस तीन कोमा पांच और चार कोमा आठ के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। ओके, तो सर ये दो पॉइंट है, ये लो सर, ये माइनस तीन कोमा पांच है और ये चार कोमा आठ है, तो बता दो सर चार प्लस ये कितना है, चार में से कितना एक एक बटा दो, यानी कि पहला पॉइंट कितना आ गया एक बटा दो, और आठ प्लस पांच कितना तेरह, तेरह बटे दो कितना आ गया तेरह बटे दो ही लिख देते, तो जो दो पॉइंट है ये एक्स और ये वन। ठीक है सर, तो कितना आ गया एक बटा दो कोमा तेरह बटा दो आ गया। अब बढ़ते हैं सर हम आगे, इसे लेते हैं मीठा। ठीक है, आइए सर ये क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल है, ए बी सी ट्रायंगल है, उनके वर्टेक्स गिवन है और हमें ज्ञात करना है एडी की लंबाई। तो यार एडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये बताते हैं माध्यिका बिल्कुल सेंटर पर आती है, यानी कि इन दो बिंदु बी सी जो रेखा उसका क्या है ये मिड पॉइंट है, और अब हम इन दो कोऑर्डिनेट की सहायता से फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, जितना हमारे पास मिड पॉइंट आ गया फिर मेरे पास ये और ये दोनों निर्देशांक आने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला हम उस पर लगा देंगे। ठीक है, तो हल्का इसी स्पीड बढ़ाते हैं और करते हैं, माइनस दो प्लस माइनस तीन माइनस पांच बटा कितना आ गया दो, पांच प्लस माइनस दो कितना आ गया थ्री बाय टू, और अब मेरे पास है सर जी दो दो क्या है निर्देशांक है चार कोमा छ और माइनस पांच कोमा बटे दो और तीन बटा दो। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला इसे क्या ले सकते हैं सर जी, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इसमें से ये गया यानी कि माइनस पांच बटे दो में से चार का होल स्क्वायर प्लस इसमें से लिए तीन बटा दो माइनस छ का होल स्क्वायर, और उससे क्या करने वाले हम स्क्वायर रूट करने वाले हैं। ठीक है, अब हल्के हल्के स्टेप खाने की कोशिश करेंगे, माइनस आठ, ठीक है, माइनस तेरह बटे दो का होल स्क्वायर प्लस माइनस बारह और ये प्लस का तीन माइनस नौ बटे दो का होल स्क्वायर, और इस पे चल रहा है सर जी अपना रूट, तो ये आने वाला सर वन सिक्सटी नाइन बाय फोर
प्लस 81 बाय 4, ठीक है। इसे सिंपलीफाई किया कितना है, 9 और 1 10, आंसर बचा 1, 8 और 1 9 और 6 15, आंसर बची 1 कितना है, 250 बटे 4 पे आ गया रूट। और इससे सर हम लिख सकते हैं, इसे वहां पर सोल्व कर सकते हूँ मैं, रूट 250 बटे 4, ठीक है। अब इसे ले सकते 25, ठीक है, 25 इंटू 10 बटे 4 का रूट, 5 बटे 2 और अंदर पर रूट का 10, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आएगा, 5 बाई 2 इंटू में रूट 10 मेरा क्या आ गया सर जी, आंसर आ गया। ओके सर, अब बढ़ते हैं हम आगे। आइए सर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी के वर्टेक्स गिवन है, एक वर्टेक्स गिवन नहीं है जो हमें ज्ञात करना है, और मिडपॉइंट थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, थोड़ा हल्की स्पीड बढ़ाना अपनी, बी डी जो दो निर्देशांक है इसका हम करेंगे मिड पॉइंट ज्ञात, ठीक है। अब देखिए ये एक यहाँ पर बाइसेक्ट रहते हैं, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट आपस में क्या होंगे सर जी, बराबर में होंगे, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट ज्ञात कर रहे हैं हम बी डी के, ठीक है, और बी डी के जो मिड पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं एक्स, तो ऑलरेडी है पी कोमा यू। ओके अब देखिए माइनस 2 प्लस 4 बटे 2 कितना आ गया सर, 2 बटे 2 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और जो सेकंड वाला है माइनस 3 प्लस 6, माइनस 3 प्लस 6 कितना, 3, और 3 बटा 2 मेरा क्या आ गया, दूसरा कोऑर्डिनेट, यानी कि जो बी डी है इसके जो मिड पॉइंट है पी कोमा क्यू कितने आ गए सर, 1 कोमा 2, 3 बटा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम इसके मिड पॉइंट ज्ञात करने वाले हैं। ओके अब इसके मिड पॉइंट उनके मिड पॉइंट के बराबर रख देंगे, तो पी क्यू उसको मान लेते हैं सर, आसानी रहेगी, पी और क्यू, तो पी क्यू क्या माना सर, 1 प्लस एक्स बटा 2 कोमा 2 प्लस वाई बटा 2। तो पी यहाँ पर अपने हिसाब से पी ये है, लेकिन एक्चुअल में कितना है उसके बराबर रखना है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये आने वाला सर 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर कितना, 1, और जो सेकेंड वाला है उसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2 प्लस वाई बटे 2 बराबर 3 बटा 2, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर कितना आ गया 1, और सेकेंड 2 से 2 कटा, ये वाई बराबर 3 माइनस 2 और वाई बराबर कितना आ गया 1, यानी कि जो मेरे कोऑर्डिनेट थे निर्देशांक थे समांतर चतुर्भुज के ये कितने आ गए सर जी, 1 अनुपात 1 कोमा 1, और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्या करोगे, इनका मिड पॉइंट निकालोगे, एक्स और वाई दो बिंदु आ गए, और इनको इनके मिड पॉइंट के बराबर, जो फर्स्ट वाला फर्स्ट के सामने, सेकंड वाला सेकंड के सामने, जैसा कि हमने यहाँ पर किया, और आपका आंसर आ जाए। ओके सर, ओके सर, तो अब हम इसमें पार्ट फर्स्ट ये कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट में अंतर्विभाजन और बाह्य विभाजन, इंटरनल इंटरसेक्शन और एक्सटर्नल इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जो दो कोऑर्डिनेट इधर खिसकते हैं, ठीक है, खिसकने पे जो चेंजेस आते हैं वो करने वाले हैं, और इन सेंटर और सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये तीन सेंटर हम करने वाले हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, नमस्कार, बाय, जय हिंद।